स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्री आधार चेतन महाराज जी के चरणों में ध्यान लगाते हुए, साथ ही साथ गुरुदेव का दाऊदयाल महाराज श्री वृंदावन धाम ज्ञान पुंज डॉक्टर नरेंद्र सर जैसी दिव्य पुण्य आत्माओं के चरणों में ध्यान लगाते हुए, वह स्पीड से माता पिता के श्री चरणों में नमन और वंदन करते हुए, पावन पवित्र स्थली पर पधारे हुए हमारे सभी दृश्य अदृश्य संत भगवान, ये दास कथा में प्रवेश करने से पहले सभी संत भगवानों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। बस पावन पवित्र स्थली पर पधारे हमारे आदर के योग बुजुर्ग मातृशक्ति हमारी माता बहन और बेटियां हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले आप सभी दिव्य और पुण्य आत्माओं को इस पीर से यथा योग्य दास प्रणाम करता है। भाइयों, नगला खुर्दन की ये पावन पवित्र भूमि है और इस भूमि का, इस मिट्टी का बड़ा ही महत्व है और ये सौभाग्य है जनपद मैनपुरी का, और ये सौभाग्य आपका है कि आपको जनपद मैनपुरी में ही निवास मिला है। इस मैनपुरी का बहुत बड़ा इतिहास रहा है, इस मिट्टी का बड़ा ही गौरव है। इस मिट्टी ने बड़ी बड़ी महान विभूतियों को पैदा किया है, जिन्होंने इस मिट्टी के साथ साथ हमें और आपको गौरव प्रदान कराया है। मुझे लगता है यहाँ से ही कुछ दूरी पर श्रद्धेय नेताजी भी इसी मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया था और इस मिट्टी का नाम उन्होंने भरतखंड में रोशन कर दिया, और उन्हीं नेताजी के साथ साथ इस मिट्टी में पैदा हुए, इस मिट्टी में खेले, इस मिट्टी ने जिनको गढ़ा, मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी श्री आधार चेतन महाराज जी को भी जन्म दिया है, जिन्होंने इस मिट्टी का नाम रोशन पूरे ही भरतखंड में किया है। अध्यात्म क्षेत्र में ज्ञान कुंज बनकर के श्रीमद् भागवत को बहुत ही सरलतम स्वरूप में उन्होंने हम और आपके मध्य में लिखा, और मुझे लगता है स्वामी जी ने अपने जीवन में यदुवंशियों को यह गौरव प्रदान कराया कि श्रीमद् भागवत के प्रति यदुवंशियों की क्या जिम्मेदारी है। ये गौरव प्रदान हमें परम श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी श्री आधार चेतन महाराज जी ने कराया है, और मेरा भी बड़ा सौभाग्य है कि उन्हीं श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी श्री आधार चेतन महाराज जी की इस पावन पवित्र जन्म स्थली, इस मिट्टी पर, नगला खुर्दन की भूमि पर, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की व्यासपीठ पर बैठकर परमाराध्य बांके बिहारी की कथा कहने का अवसर प्रदान हुआ है, और साधन आप जैसी दिव्य और पुण्य आत्माओं का आशीर्वाद लेने का भी मुझे गौरव प्रदान हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है। बड़ी पावन कथाएं परमाराध्य की जो मन के मैल को साफ किया करती है। परमादरणीय श्रीमान नेम सिंह यादव दादाजी परिचित बन के भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। एक बात और कहूंगा भाइयों, आपस में एकता क्या होती है, हमारा ये भारत बड़ा ही महान है जिसमें एकता का बड़ा सूत्र पिरोया गया है।
नगला खुरदर में मैं आज मेरा तीसरा दिन है, मैंने देखा है यहाँ के लोगों में बहुत ही बड़ा अपना प्रेम का एक संभाव है, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के हृदय में बड़ी श्रद्धा और भाव है। बुजुर्गों में एकता मैंने यहां पर देखी है। वैसे हम जहां जहां भी जाते हैं तो अधिकतर प्रायः देखने में मिलता है कि आज लोग आपस में टूटते जा रहे हैं। हमारा कभी भक्तों अखंड भारत हुआ करता था, धीरे धीरे हम भारत में ही स्वयं में ही टूट गए और टूटते टूटते हम प्रदेशों में आकर के बट गए। कभी विचार करना, हम प्रदेशों से टूट करके जनपदों में बट गए और जनपदों में टूटे तो हम ब्लॉकों में आकर के बट गए। ब्लॉकों में अगर हमने फिर टूटना शुरू किया परिचय जी, तो हम ग्राम सभा में आकर के टूट गए और वो टूटते ही टूटते चले गए और इतना टूटे हम गांवों में आकर के टूट गए। और फिर भी हम नहीं रुके, देखिए हमने कितनी तरक्की कर ली है। हम गांवों में भी मोहल्लों में आकर के टूट गए और वहां भी हमने रुके नहीं, हम परिवारों में आकर के टूट गए और इतने टूट गए कि हम परिवार भी नहीं जोड़ सके और स्वयं में अकेले खड़े हो गए। कभी लगता नहीं है, कभी ये बड़े बुजुर्ग पूरे परिवार और समाज के लिए जीते थे, वो संस्कार कहां चले गए। आज हर व्यक्ति अपने आप के लिए जीने लगा, मुझे लगता है अपने ही पत्नी और पुत्रों में हिलक करके लोग रह गए। ये भगवान की कथा जहां हो रही है, लेकिन मैंने नगला खुरदन की पावन भूमि पर देखा, यहाँ के बड़े बुजुर्गों को देखा, यहाँ के युवाओं में जो भक्ति के प्रति जो जोश देखा है, तो मुझे लगता है यहाँ के बड़े भव्य बड़े हृदय के सभी लोगों को निहार कर गुरुदेव जी की पावन इस जन्मभूमि पर आकर मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मैं आप सभी को इस पीठ से प्रणाम और वंदन करता हूं। यही भाव, यही मेल, यही संस्कार, यही भक्ति का उद्गम सर्वदा आपके इस मिट्टी पर बढ़ता रहे। नगला खुरदन के सभी भक्तों ने जो अपने जीवन में श्रीमद् भागवत सप्ताह पराणा यज्ञ का जो संकल्प लिया था, आज सभी भक्त अपने जीवन में लिए हुए संकल्प का भक्तों तृतीय दिवस पूर्ण करने के लिए जा रहे हैं। विद्वानों ने लिखा है, ऐसा न विद्या तपोन दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती। जिनके हृदय में यश, जिनके जीवन में यश नहीं है, जिनके पास विद्या नहीं है, तप नहीं है जिनके जीवन में, जिनके हृदय में शील नहीं है, दान करने में भक्तों इनकी श्रद्धा नहीं है, वो मनुष्य मनुष्य होने पर भी पशुओं की तरह अपने जीवन को यापन कर रहा है। बड़ी पावन कथाएं भगवान की जो मल के मेल को साफ करती हैं, हरिहर गंगा के किनारे बैठे हुए आचार्य श्री सुखदेव जी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित लाल को भगवान की अमृतमयी कथाओं को पान करा रहे हैं। चलेंगे मेरे भाइयों भगवान की पावन कथा में।